आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गोरखपुर पुलिस ने पूरे जनपद में चलाया सघन तलाशी अभियान। गोरखपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया देवशिल्पी विश्वकर्मा महाराज की जयंती। बारिश की वजह से महानगर के सभी वार्डों में जल जमाव की समस्या जस की तस। और बलिया जनपद में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अनिल राजभर पर साधा निशाना। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के एसएसपी विपिन टाडा के आदेशानुसार जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। उसी क्रम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर के नेतृत्व में उप निरीक्षक अरविंद कुमार राय द्वारा दुर्गाबाड़ी चौक, विजय चौक और मदीना मस्जिद के पास वाहन चेकिंग और संदिग्ध लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर उनकी आइडेंटिटी देखने के बाद उन्हें जाने दिया गया। इस दौरान वाहन चालकों से चालान के माध्यम से 67,000 रुपए राजस्व भी वसूला गया। 12,000 को मोबाइल रख सकते हो, लेकिन 700 रुपये का हेलमेट नहीं रख सकते, जिससे तुम्हारे जीवन बच रहा है। आइंदा गलती नहीं करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर महानगर के जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर सिख समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं सहित हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि अब तक हम लोगों द्वारा लगभग 100 शिविर लगाया जा चुका है, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग रक्तदान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को समर्पित है। ये रक्तदान शिविर हम लोग हमेशा हर माह आयोजित करते रहते हैं। हर वर्ष हम लोगों ने आज तक कुल 100 से ऊपर रक्तदान शिविर आयोजित कर चुके हैं और 3,500 से ऊपर लोगों को हम रक्त प्रवाहित कर चुके हैं। रक्त की बड़ी कमी रहती है। भारत में हमारी कुल जनसंख्या का 2% रक्तदान नहीं करते हैं। अगर 2% भी रक्तदान करें तो आज हमारे ब्लड बैंक रक्त से भरे रहते हैं। रक्त की कमी की वजह से हजारों व्यक्ति असमय मृत्यु को ग्रसित होते हैं, जिनके लिए हम और आप जिम्मेदार होते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा महाराज की जयंती गोरखपुर जनपद में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर महानगर के मोहद्दीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता बीके चौधरी और नगर निगम के महेवा स्टोर में महापौर और नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा शिल्प कला के देवता विश्वकर्मा भगवान का पूजन अर्चन कर एवं सभी विद्युत यंत्रों का पूजा पाठ किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार ने बताया कि हम कई वर्षों से धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। साल से यहाँ मूर्ति रखी जाती थी, पहले मूर्ति भव्य रखी जाती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से पार्षद प्रशासन ने रोक दिया था। इस साल पुनः उन्होंने कहा कि आप छोटी मूर्ति रख सकते हैं। मूर्ति रखने में विशेष सहयोग के रूप में श्री पालाद और पन्ना का और यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों का होता है। आज हम लोग मूर्ति करेंगे, कल शाम को मूर्ति विसर्जन करेंगे, आरती होने के बाद प्रसाद वितरण करने का काम करेंगे। गोरखपुर जनपद में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए महानगर के शास्त्री चौराहे से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला और कद्दू का केक काट कर अपना विरोध जताया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक ने बताया कि बेरोजगारी के विरोध में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है। चाहिए रोजगार, हमको चाहिए रोजगार, तुम भी बोलो रोजगार, आगे वाले रोजगार, पीछे वाले रोजगार, से बोलो रोजगार, से बोलो रोजगार, हम भी मांगे रोजगार, तुम भी मांगो।
गोरखपुर जनपद में लगातार हो रही बारिश ने शहर से लेकर गांव तक तबाही मचा रखी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई गांवों में कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। ऐसा ही कुछ मामला बांस गांव क्षेत्र के कौवाराम गांव में देखने को मिला, जहां बारिश के कारण आधा दर्जन कच्चे मकान के साथ कई पेड़ गिर गए, जिसमें एक महिला अपने बच्चों संग दब गई, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हालांकि घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के सामानों की काफी क्षति हुई है। हुआ ये सब रात में भूकंप आया। कितने बजे? वही 3 बजे करीब। कितना नुकसान हुआ है? लगभग बहुत ज्यादा हुआ है। बच्चों के लिए किसी ने दबाए थे, दूसरे लोग आए हैं तो हमको बचाए हैं। जाना कितने बजे हुआ घटना? 3 और 3:30 बजे के लगभग हुआ था। 3:40 बजे लगभग। कितनी क्षति हुई होगी? अरे करीब करीब 5-7 मकान गिर चुका है, 3-4 खंभा गिर चुका है। पेड़ तो बचा ही? पेड़ तो करीब करीब 150-200 पेड़ गिरा है, बागी से लेकर के गांव तक पूरा। एक क्या कोई यहां से गिरा था? करीब करीब 100 मीटर दूर पे जाके गिरा है डाल। कोई सक्षम अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया? लेखपाल वगैरह? लेखपाल साहब अभी आए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 71वें जन्म दिवस को गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर बीजेपी के नेताओं द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रुस्तमपुर स्थित संगम आई सेंटर पर किया गया, जिसमें नेत्र परीक्षण के साथ ही बीमारियों से संबंधित जांच कर निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और इसलिए भी मना रहा है कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी प्राथमिकता में इस देश का गांव और गरीब था। उन्होंने 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए उन सब कामों को पूरा करने का काम, चाहे इस देश में आवास बनाने का मामला हो, गरीबों को आवास देने का मामला हो, या शौच से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश भर में शौचालय बनाने का मामला रहा हो, या गरीब या महिलाओं को, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का मामला हो, या इस देश में लाखों ऐसे लोगों के यहाँ जो बिजली नहीं थी उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का मामला हो, इस प्रकार की अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए पूरा देश आज उनकी 71वीं जयंती को, जन्मदिवस के कार्यक्रम को मना रहा है। गोरखपुर जिले के अधिकतर इलाकों में इन दिनों पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना होने से लोगों के घरों में महीनों से गंदा पानी जमा है और अब लोगों को जल जनित बीमारियों का डर भी सताने लगा है। ऐसा ही कुछ हाल बांस गांव क्षेत्र के ग्राम सभा बंदराई का है, जहां दर्जनों घरों में आज भी पानी जमा है और लोग सहमे नजर आ रहे हैं। क्या है समस्या? यही पानी लगा हुआ है, निकासी का व्यवस्था है नहीं, पानी घर गिर रहा है काफी दिनों से, 2 महीने से लगा हुआ है पानी, निकासी चारों तरफ से बंद है। समस्या क्या है आपकी? निकासी है या नहीं पानी से, हम लोग घर गिरने वाला था। गोरखपुर जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से महानगर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जल जमाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बादल चतुर्वेदी और प्रदेश सचिव प्रभात पांडे आज महानगर के वार्ड नंबर 40 स्थित दीवान बाजार पहुंचे। इस दौरान प्रदेश महासचिव बादल चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 8 से 9 घंटे की बारिश में जो सभी मोहल्लों का हाल है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के घर में कमर तक पानी लग गया है, जिसकी वजह से उनकी नृत्य क्रिया भी प्रभावित हो गई है। आज हम युवा कांग्रेस के साथी गोरखपुर के वार्ड नंबर 40 दीवान बाजार संत कबीर नगर पूरम कॉलोनी में हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं इनकी समस्याओं को जानने। इनकी समस्याएं बहुत गंभीर समस्या, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। आप मुख्यमंत्री गृह जनपद में खड़े हैं, आप देख सकते हैं अगल बगल आप कि यहाँ पे कितने लोगों की दुश्वारियाँ हैं। यहाँ पर जीवन जीना एक बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे लोग अपने मकान छोड़ के पलायन की स्थिति में आ चुके हैं। बगल में ही घर के बगल जिस मोहल्ले में खड़े हैं उसके बगल में एक नाला है, नाला जो है कई महीनों से चोक है। नगर आयुक्त महोदय अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, बरसात के मौसम में गोरखपुर के सारे मोहल्ले डूब चुके हैं और बार बार शिकायत करने पर वो फ़ोन उठाते नहीं हैं।
और कहता है कि विपक्ष के लोगों के मैं काम नहीं करूंगा। यहाँ पे लोगों को जीवन जीना दुश्वार हो चुका है। आप देख सकते हैं लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, लोगों को यहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहे हैं, बच्चे जो हैं कई दिनों से स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पर लोग ऑफिस के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हम युवा कांग्रेस के साथी नगर आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर यहाँ पर पंप लगा के इनकी पानी इनकी समस्याओं को नहीं हल किया गया, पानियों को नहीं निकाला गया, तो हम युवा कांग्रेस के साथी सभी लोग एकजुट होकर नगर आयुक्त का घेराव करने का काम करेंगे। बलिया जनपद के सिकंदरपुर में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते ही हैं और वे दिन में ही सपने देख रहे हैं। सपना जब टूटेगा तो खुद को पहले जैसी स्थिति में पाएंगे। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अपनी योजनाओं से लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो चचा जान, अब्बा जान और भाई जान से सलाह लेने जा रहे हैं, हमें इनमें से किसी से भी कोई मतलब नहीं है। राजभर ने मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी में बुलाया है और उनका कहना है कि गरीबों का मसीहा है और उनको वो अपराधी में उनको नहीं मानता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसका जवाब तो श्री ओम प्रकाश राजभर ही दे सकते हैं, क्या सोच समझ करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बकवास करने वालों का जवाब देने में विश्वास नहीं करता। जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात कही और उन्होंने कहा कि 2022 में जैसे ही भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो यूपी में 50 किलो फ्री राशन और 5 साल बिजली मुक्ति दिया जाएगा, क्या कहना चाहिए? अब देखो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते ही हैं, सभी को सपना देखने का अधिकार है, कोई सपना रात में देखता है और कोई सपना दिन में देखता है। हमारे राजभर भाई हैं वो दिन में ही सपना देख रहे हैं, तो सपना देखते रहें, सपने में हंसी भी आती है और सपने में आनंद भी आता है, जब सपना खत्म होता है तो फिर जैसे कि तैसे हो जाता है। संत कबीर नगर जनपद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जनपद की 200 महिलाओं पुरुषों युवाओं को टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वितरित किया गया। आपको बता दें कि खलीलाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनपद के 200 लाभार्थियों को आज भाजपा मेहदावल विधायक राजेश सिंह बघेल ने राजमिस्त्री बढ़ई और कारपेंटरों के साथ साथ लड़कियों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वितरित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मनोज सिंह के साथ जिला उपायुक्त उद्योग केंद्र अधिकारी राजकुमार शर्मा उपस्थित रहे। जो है विश्वकर्मा सम्मान दिवस है और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। आज के अवसर पर यहाँ पे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको टूल किट, मुद्रा लोन की स्वीकृति आदि लगभग 200 लोगों को इसका वितरण किया गया है, जिससे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एक पखवारे से भी अधिक का समय बचा है नवरात्रि बेला आने में, लेकिन इसकी तैयारियां पूरा शहर बड़े जोर शोर से कर रहा है। नवरात्रि बेला पर खेला जाने वाला गरबा डांडिया नृत्य के आयोजनकर्ता पीछे नहीं है। महानगर के विभिन्न इलाकों में अलग अलग कैंप लगाकर वर्कशॉप चलाया जा रहा है, जिसमें युवतियां और महिलाएं बड़े ही दिलचस्पी ले रहे हैं। अपने घरों से निकलकर जहां वर्कशॉप चल रहा है वहां महिलाएं पहुंच रही हैं और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। हमारी टीम ने वर्कशॉप में भाग ले रही कुछ प्रतिभागियों से बात की, सभी में बेहद ही जोश देखने को मिला। सर, मैं आस्था इलानी हूँ, मैं वीरू सर के साथ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर, हम लोग एक हाउसवाइफ है और हम लोग को पता है कि डांस एक फिटनेस होता है। हम लोग सर के साथ जुड़े हैं, इससे हम लोग का स्टेमिना लेवल भी इंक्रीज हुआ है और थोड़ा हम लोग पहले बहुत जल्दी थक जाते थे, लेकिन अब हम लोग का स्टेमिना लेवल इससे बहुत इंक्रीज हुआ है। अब आप देख सकते हैं हम लोग एक एक घंटा भी डांस करें हम लोग थक नहीं सकते हैं। एकता एलानी, मैं सर के साथ 2019 से गरबा सीख रही हूँ और मुझे डांस में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सर के साथ तो सीखने का मज़ा ही कुछ और है। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और इससे डांस इम्प्रूव होता है, हम लोगों का स्टेमिना जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है।
तो हमें बहुत मज़ा आता है डांस सीखने में, मैं इसीलिए डांस सीख रही हूँ। साधना गुप्ता, मैं भैरवी संगीत कला केंद्र की डायरेक्टर हूँ और मेरा बचपन से गीत संगीत से बहुत की तरफ मेरा बहुत झुकाव रहा है और ये डांडिया ज्वाइन करने का मेरा मकसद है वो ये है कि ये जो कलाकार हैं ये गुजरात से आए हुए हैं और यहाँ भाव की प्रधानता है। डांस तो हम कैसे भी कहीं पे भी कर लेते हैं, शादी ब्याह में कहीं पे भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो डांडिया गरबा है ये माता जी की आराधना है जो गुजरात में पूजा की तरह की जाती है। तो मैं बहुत भाव से आती हूँ, मन में जय माता दी का जाप करते हुए आती हूँ, मैं इस भाव से आती हूँ कि माँ की आराधना कर रही हूँ। आयोजनकर्ता वीरू मलिक ने बताया कि 10 अक्टूबर को इसका फिनाले होगा। अमेज नाउ चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आइए, वर्कशॉप में शामिल होइए और इवेंट के दिन अपना एंजॉय कीजिए। गोरखपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव के लापता होने का पोस्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह चस्पा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जनता ने विधायक का लापता होने का पोस्टर चस्पा किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा से भाजपा से टिकट लेकर संगीता यादव ने चुनाव लड़ा और उन्हें जनता ने मोदी और योगी के नाम पर हाथों हाथ लिया और विजयी बनाया। मगर अधिकांश क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद संगीता यादव अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई देती, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका के समय विधायक संगीता यादव के लापता होने का पोस्टर चस्पा कर व्यक्त किया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि वह कुछ विशेष जगहों और विशेष लोगों से ही जनसंपर्क करती हैं और विकास के कुछ कार्य ही किए हैं, बाकी जगहों पर वो कभी जनसंपर्क में न मिलने जाती हैं, ना ही कोई विकास का कार्य करती हैं। जिसका ताज़ा प्रमाण सोनबरसा क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कें हैं, जिस पर प्रतिदिन कई लोग गिर कर चोटिल भी होते हैं। कहाँ कराने वाले हैं यहाँ आपकी जन समस्याओं को सुनने विधायक संगीता यादव आती हैं? कभी नहीं आई। ऐसे में आप आगामी चुनाव में किस पार्टी या प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे? हमारा गांव जो है टोटल बीजेपी का है जी, लेकिन संगीता यादव रहेंगी तो वोट नहीं मिलेगा। ऐसी दशा में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे उनकी पार्टी बदली होगी तो उनका आदमी बदली होगा, तो पार्टी का प्रत्याशी बदलना चाहेंगे? हाँ, प्रत्याशी बदलना चाहिए। की वोटर हैं? बुआबर के। यहाँ पे विधायक संगीता यादव हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ नहीं की कहले संगीता का कहले बारी वोट लेके गयी केव के कुछ नहीं की कहले जो कहू ना एल के मर तक जिया था। यहाँ के विधायक हैं संगीता यादव, उनके कार्यों से खुश हैं आप लोग? नहीं, वो कुछ नहीं किया हम उनको। अच्छा, अब 2022 के फिर से चुनाव बटे, एक ये बारी केकरा का वोट दिया? अरे साहब क्या खुश हैं, देख रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कभी यहाँ तक आई ही नहीं। हम लोग पूरा यहाँ के पूरा जंगल रसूलपुर के लोग बाढ़ों से त्रस्त हैं, राशन तक देने नहीं आई और हम लोग क्या बताएं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस सब में बस इतना ही, अगले लिंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।